तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हम इस फोटो को किस तरह से लाइटरूम एडिटिंग करें। देखिए, पहले ऐसा था, बिल्कुल फेड सा, और अब ये ऐसा दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत ग्लो करता हुआ अंधेरे में। अगर आपको इस तरह की एडिटिंग बनानी है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इसका लाइटरूम प्रीसेट भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे पहले था, बिना ऑटो मारे हुए। तो हम इसके शेडो को थोड़ा कम कर देते हैं, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि चमके, ये ब्लैक को घटा देते हैं। तो ये हमको जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा है। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं। इतना करने के बाद हम आते हैं कर्व पे। कर्व डन करने के बाद हम आते हैं सीधा, इसमें हम करते हैं ऑटो, तो हमको ये वाला फील आ जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं सीधा मिक्स पे, सैचुरेशन इसका 0, इसका भी बिल्कुल 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 0। अब इसको हम 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये चाहिए। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देंगे इसका, इतना होने के बाद हम इसको करेंगे बैक। और अब हम आएंगे इस पे, फिर हम थोड़ा सा हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि हमें हाईलाइट ज़्यादा ही लग रही है। फिर हम आएंगे इसमें प्रोफाइल्स में, इस पे हम इस आर्टिस्टिक वाले को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। फिर से जाएंगे कलर में। अगर हम इसमें ऑटो ऐसे शॉर्ट करते हैं और इसमें ऑटो करते हैं तो ऐसा आएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हमें वाइब्रेंस को बढ़ा के सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है। अब फिर से हम मिक्स में जाएंगे, मिक्स में जाने के बाद रेड पे जाएंगे, थोड़े से इसकी लाइट बढ़ा देंगे। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फाइनल फिनिशिंग टच के लिए हम इस पे जाएंगे, जिसमें हम फिनिटिंग को थोड़ा सा रखेंगे -7 की तरफ। ठीक है, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। टीएच को भी उतना ही बढ़ाना है जितना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी। अब आते हैं शार्पनेस पे, शार्पनेस थोड़ा बढ़ाएंगे, नॉइस डिडक्शन करना है थोड़ा सा, कलर डिडक्शन, कलर नॉइस रिडक्शन, उसकी डिटेल को कम कर देना है। कलर
कलर नॉइस रिडक्शन के डिटेल को कम कर देना। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।